इंडिया के एक मिनिस्टर हैं, सीएम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द या तो टूट जाएगा या फिर दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। हालात कुछ इसी तरफ ही जा रहे हैं, या तो सेपरेशन वाली साइड पे जा रहे हैं जिस तरह के हमारे हालात बनते जा रहे हैं। सुबह वो तो ओपनली अब ये कहते हैं कि हमें एक अलग देश बना दो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली सपोर्ट भी है, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे जिनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया, जो गया पाकिस्तान को, ठीक है जी। 1947 से लेके अब तक चलता ही आ रहा है, चलता आ रहा है, लेकिन बीच में ऐसा हुआ ना, 71 में टूट गया। क्लियर हुआ है कि देखें जी, वो जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का था, जिसे हम सारी उम्र गालियां निकालते रहे, गद्दार कहते रहे हैं, उसे तो जाकर हमें जो है ना सलूट करना चाहिए। दोस्तों, योगी जी में इंडिया अपना फ्यूचर पीएम देखता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर योगी जी के जो ब्लंट भाषण है ना, जो उनकी सोच है, उसे देखकर तो भाई अच्छे अच्छे लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान को लेकर एक योगी जी का बयान आया है जो कि वायरल होते होते पाकिस्तान पहुँच चुका है। योगी जी का कहना है कि भाई जो पाकिस्तान के अभी हालात हैं उस हिसाब से या तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे या फिर पाकिस्तान बहुत जल्द हमारा यानी कि इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसा जो है योगी जी ने क्यों कहा वो आप पूरा भाषण सुन सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तानियों के रिएक्शन आए हैं भाई इस पर, और पाकिस्तानियों का क्या कहना है योगी जी के विचार पर, क्या पाकिस्तान को इंडिया में मिला लेना चाहिए या फिर जो उनके बलूचिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान यहाँ पर जो चल रहा है उस सबको देखते हुए वहाँ की जनता के अनुसार इसको अलग अलग देश बना देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडिया के एक वो मिनिस्टर हैं, सीएम हैं उधर के योगी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान की जो इस समय सिचुएशन है ना, वो ये ज्यादा देर या तो चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये जो उनसे इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? मर्ज तो खैर ये तो उनकी एक अपनी जो है ना, वो बड़े जो है ना शुरू से ही उनका जो है ना एक ये विजन है, एक सोच है, वो इस किस्म के जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन ऐसा जो है ना वो हरगिज नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान का कोई एक सूबा जो है वो मुतासर हो सकता है अगर इसी तरह से ये हालात चलते रहे। अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह ना करे जी। हम तो जो है ना ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है ना नेशनलिज्म हो, हम हो जबरदस्त जी। सर आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि ये कितनी देर ऐसे चल पाएगा जो सिचुएशन चल रही है? मैं तो आपको आज की एक रिसेंट मिसाल देता हूँ। ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं जी जी, और इन्होंने जाकर क्लास में गाना सुनाया है जो तू मेरा हमदर्द। अब आप मुझे बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे तरक्की करे, जरा इनसे पूछिए आज इन्होंने ये क्यों किया। अच्छा, चले वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ बड़ी, जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ और देखने वाले भी इसके ऊपर कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने ये सुनाया है ना, और स्टूडेंट्स के साथ अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हुई है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। वो तो ठीक है, लेकिन आप जरा सुनकर भी तो देखिए किस कदर बेसुरे हैं। सिर्फ टीचर होने की वजह से आधा घंटा उन्हें सुनाया। आप सर दोबारा सुनाना चाहेंगे? दोबारा सुना? नहीं जी, दोबारा मैं बिल्कुल नहीं सुनाना चाहता। इसका मतलब है वाकई में अच्छा नहीं था सुनाया। बच्चों ने भी यही कहा दोबारा सुनाए, सही नहीं सुनाया पहले दफा। अच्छा सर, चले ये तो मजाक की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जो सिचुएशन है ज्यादा देर मजाक नहीं था ये? नहीं मजाक सुनाया इन्होंने, आधा घंटा गाना सुनाया बच्चों को। अच्छा चले, जो सिचुएशन चल रही है क्या समझते हैं, ज्यादा देर ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा? नहीं, अगर लोग और आवाम इसके लिए कोशिश करें तो यकीन ये बेहतर हो सकता है। हम अपने मुफाद को पीछे कर दें थोड़ी देर के लिए, और हम जो है ना वो कौमियत को आगे रखें। हमें चाहिए कि हम एज अ कॉम हार्ड वर्किंग करें, यूनिटी होनी चाहिए। बंदा पर लेक्चर कोर्स पे रोज लड़ता है हमसे, ठीक है, जो कह रहा है ना अपने मुफाद को पीछे कर ले। अभी हम खाना खाने आए हैं, 500 रुपए इसने अपने नहीं दिए। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, जो ये टीचिंग कम्युनिटी है, नहीं मुझे बताएं जितनी महंगाई चल रही है, अब वो उन्होंने जो इतने साल की डिग्री हासिल की है, अब वो कहेंगे चलो ठीक है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। अब इसके हिस्से का जो हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया हमारे लिए भी तो महंगाई है ना यार। ये बंदे ने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये हमारे हेड और सुपरवाइजर है, ये इसके बाद फायदा उठाते हैं, सैलरी देते हैं, फिर बाद में सारी सैलरी पार्टीज में वापस ले लेते हैं। कहते पार्टी खिलाओ पार्टी खिलाओ, फिर डराते धमकाते हैं नौकरी से निकाल देंगे, इस तरह के हमारे हेड हैं। जो बंदा क्लास में जाके ये कह रहा है जो तू मेरा हमदर्द है, उसकी सैलरी बनती है? उसकी सैलरी कितनी को बनती है? ये बनती है सैलरी सर। चले जी, इसके अलावा कुछ नहीं बनती। हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो हालात कुछ इसी तरफ ही जा रहे हैं, या तो सेपरेशन वाली साइड पे जा रहे हैं जिस तरह के हमारे हालात बनते जा रहे हैं सुबाइयत के। अगर हम पाकिस्तान से वार्निंग अक्सर आ जाती है, मतलब वहाँ के जो प्रोटेस्ट करने वाले वो कहते हैं हमें अलग कर दो। जैसे ही अभी भी आजकल भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने जो बलोचिस्तान की वो खातून लीडर है उसको अभी भी अरेस्ट किया हुआ है, उन्होंने उठाया हुआ है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है मारंग बलोच के, जो उन्होंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो वो तो ओपनली अब ये कहते हैं कि हमें एक अलग देश बना दो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली सपोर्ट भी है, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे जिनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है। लेकिन
वहाँ पे ये काफी ज्यादा वॉइस पाई जाती है। इसी तरह से कराची में भी ये वॉइस काफी ज्यादा पाई जाती है, अलग से केपीवीएफ में भी। अब पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सलूक किया जा रहा है अब केपी वालों के साथ, पहले वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अब वही चीज़ें जो पहले वहाँ पे थी बलूचिस्तान में थी, जो पहले केपी में थी, वो सेम चीज़ें अब यहाँ पे पंजाब में भी रिपीट होने लगी हैं, लोगों को उठाना। आपने एक बात बीच में की है कि भाई वहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जिन्हें इंडिया सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान में क्यों, अगर लेट्स सपोज ऐसा कर रहा है तो बलूचिस्तान में क्यों सपोर्ट कर रहा है, इधर पंजाब में क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब गलत ना बोल रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे, हम भी उन्हें राइट्स नहीं देते। ऑब्वियसली बात है, उनका बहुत सारी चीज़ें हमने खाई हैं, लाइक वो बहुत सारे रिजर्व ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें बलूचिस्तान यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनके राइट्स हैं जो वो यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज़ें उनके पास यूज़ करी नहीं है, लेकिन वो पंजाब यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर केपी की तरफ चल जाए तो केपी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो उतनी यूज़ नहीं कर पाता जितनी पंजाब यूज़ करता है। मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये भाई सर आपने बात की है, एक तरफ आप पाकिस्तान को चेंज करने की बात करते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, दूसरी साइड पे वो भाई बात कर रहे थे, आपने बोला भाई कुछ ऐसा वैसा ना बोल देना, यानी कि अगर टीचर ही डरेंगे तो फिर आके आने वाली जनरेशन तो डरपोक होगी। हम ना एज टीचर पाकिस्तान को ज्यादा बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को चेंज करें ना, आप अपने आप को चेंज करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। अच्छे खासा यार मैं बैठा हूँ, क्या चेंज करूँ? देखे ये देखे, ये टीचर सीरियस ही नहीं हो रहे। हाँ ये टीचर तो सीरियस नहीं होते, लेकिन बात यह है कि हमें चाहिए कि हम बच्चों को थोड़ा एजुकेट करें, ठीक है, लेकिन बच्चों को एजुकेट करने के लिए जरूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो, ठीक है। बस जो लोग ऊपर हायर अथॉरिटीज पे बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए कि वो एजुकेशन सिस्टम को जरा रट्टा और क्रैमिंग से निकाल के जरा इस तरह करिकुलम को डिजाइन करें कि टीचर्स को मौका मिले कि वो खुल के बात कर सके, ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करें, एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, जिस तरह एसएससी के टीचर हमारे पास मौजूद है, इनके पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है। देखे ना, एक बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा सीटें लेकर जीत रहा है, आबादी में वो ज्यादा है, फिर भी बात हो रही है कि जी नहीं वजीर आजम जो है ना वो इसी पाकिस्तान से बनेगा, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान से बनेगा, जो ज्यादती वाली बात है, उनका वजीर आजम बनाते तो कभी हालात ऐसे होने ही नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना कह लेंगे यहाँ के जी चार सूबे हैं, जी चार सूबे हैं, लेकिन सर बदकिस्मती ये है ना अभी भी हम सीखने की तरफ नहीं आ रहे। मतलब अक्लमंद वो होता है जिससे गलती हो जाती है लेकिन वो नेक्स्ट टाइम उससे थोड़ा सीख लेता है। हमसे 1971 में गलती हो गई, लेकिन आज भी हम आंखें बंद करके कहते हैं जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसे कभी सवाल नहीं है। हालांकि एक क्वेश्चन ही भी पूछ ले कि यार फिर 1971 में मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं था जो सवाल आ गया, मतलब जो दो टुकड़े हो गया। हम बिल्कुल ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, और हमें जो है ना नेक्स्ट आने वाले हमें समझानी चाहिए, बिल्कुल समझानी चाहिए, हम समझाते भी इंशाल्लाह, ठीक है। और चले जी आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी है, इनकी हम सब की क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने में, और जो पाकिस्तान की रियल हिस्ट्री है वो क्यों नहीं बताई जा रही? रियल हिस्ट्री तो तब तक नहीं बताई जा सकेगी जब तक बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अगर हमने रियलिटीज़ की तरफ आना है, और रियलिटी बहुत हार्श है, जो बताना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और जो मुख्तर हल्के हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आपके पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, 80% जो है ना बिजनेस जो है वो पठानों ने संभाला हुआ है, ठीक है, या तो वो केपीके के हैं या वो बलूचिस्तान के हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ से ये आपके बिल्कुल नजदीक जो है वो नमक मंडी है, शनवारी जो है वो कढ़ाई मिल रही है, तो शनवारी जो है वो ये क्वेटा की क्वेटा और पेशावर की जो है वो स्पेशलिटी में, सुन ले सुन ले सुन ले मेरी बात आगे सुन ले, बिजनेस जो है मेजोरिटी इन लोगों ने संभाला हुआ है, इन जगहों पे जो है वो जरगा निजाम है, ठीक है जी। दूसरे महीनों में आप देख लें तो यहाँ पे जो है वो जगीरदाराना निजाम जो है वो चल रहा है, जो जगीरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह ने उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जो है? नीचे आम पब्लिक है, आम पब्लिक है, वही जगीरदार हर साल हर मर्तबा हर जो है वो मर्तबा वही सिलेक्ट किए जाते हैं वहां से, क्योंकि जो उनके नीचे मजारे हैं वो उनको दो निवाले खाने के क्या खिला देते हैं, वो उनको वोट डाल देते हैं, ये चीज है, ठीक है जी। यानी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस उन इलाकों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे मानों में देखें तो आपकी जो है माशाल्लाह बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से भरा पड़ा है, तो फिर नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या वजह वहाँ के लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं आए दिन? वहाँ के लोग ने उनका राइट नहीं मिल रहा, उन्हें राइट जो है वो कैसे मिले उनको? एक जो है वो जगीरदार जो है वो कहता है यार आप मुझे फॉलो करो, ठीक है जी, मुझे अगर गवर्नमेंट वाले जो है वो मेरे मुंह में निवाला नहीं डालते तो मैं जो है वो 10 बंदों को लेके
स्ट्राइक के लिए निकल आऊंगा। दूसरा बंदा जिसको मिल रहा है वो कहता है जी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हम अमन है, तो बस यही सिस्टम जो है वो सारा चल रहा है। लेकिन वो जो बंदा अपनी पर्सनल एफर्ट के साथ ही जो काम चल रहे हैं वो तो वो चल रहे हैं। अच्छा, सबसे मुझे सबसे पहले ये बताएं जो इस समय पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर ऐसे ही रहे अल्लाह ना करे तो ये कितनी देर चल पाएगा? की ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोई मसला ही नहीं। अगर इस तरह चलता रहेगा तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल चीज है, ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। हमारी जो पब्लिक है वो भी नहीं करेगी, ठीक है, जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी नहीं करेगी। ऐसे खाना जंगी का माहौल, सिविल वार या वो बलोचिस्तान अपना वो अपना उन्होंने अपनी पर्सनल जो है उन्होंने अपने आप को कवर किया है, उनकी बड़ी एक है, हम उस चीज पे अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, कि ये उनकी बड़ी एक अच्छी बात थी, उन्होंने अपने आप को एक कवर अप किया। मतलब हमारे अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल को ऐसा पर्सनल कोई एक ऐसा आदमी है जो इस तरह की हरकत कर सके, ठीक है। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इस तरह की एफर्ट कर ले तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान का भी बड़ा एनवायरनमेंट, हमारे पाकिस्तान में भी तो देखें इंसान ही है, मैं भी इंसान, आप इंसान, हर कोई पाकिस्तानी है, लेकिन मकसद यह है कि इधर थोड़ा एक एनवायरनमेंट ऐसा ना कि जो बात करता है या जो बोलता है उसे थोड़ा ये कह दिया जाता है कि ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बस बेसिक बात यही है ना कि हमारे अंदर वो इत्तेफाक नहीं है, कोई आपस के अंदर यूनिटी नहीं है, हम एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट नहीं करते। अगर कोई बंदा किसी वाले से बात कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको डिग्रेड करें, ठीक है। ये जो आपने बात की है कि अगर ऐसी सिचुएशन है ज्यादा देर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, सारी बात है कॉमन सेंस वाली बात है। यही सेम चीज इंडिया के एक मिनिस्टर है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही या तो टूट जाएगा या फिर दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि हम उस चीज के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है, मतलब वो उनके पर्सनल है, लेकिन वो उनकी एक बड़ी चीज है कि यार हर बंदा अपनी एक एफर्ट दे रहा है, ठीक है, हर चीज के अंदर। वो शायद इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है, हमारे पाकिस्तान में एक यूनिटी नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है, रहने का एक तरीका कार नहीं है, हम उस चीज को कवर अप नहीं कर पा रहे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है ना, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। लेट्स सपोज आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे जी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मेरे से पूछेगा मैं कहूंगा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारियां नहीं हम देख रहे, मेरी हम एक दूसरे के कॉन्फिडेंस लेवल को डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं फॉरवर्ड, ये नहीं सोचते कि आओ मिलके आगे बढ़ते हैं, मिलके पाकिस्तान इन शॉर्ट वो मतलब एक अगर उसको एक लफ्ज में खत्म करें तो यूनिटी लेवल नहीं है हमारे, ठीक है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का हमारे अंदर वो चीजें खत्म हो, ठीक है, या फिर उतनी शायद अवेयरनेस नहीं है। चलें, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।